हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल टेक जी गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम नए नए लैपटॉप की अनबॉक्सिंग लाते रहते हैं, तो आज इसी के अंदर हम लाए हैं HP Victus 15। दोस्तों, ये जो मॉडल है ये काफ़ी जाना पहचाना मॉडल है और आप लोगों ने एक या दो महीने के अंदर जरूर इस लैपटॉप की इंक्वायरी करी होगी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट के साथ है, प्लस जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी अच्छी है। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि क्या ये लैपटॉप वर्थफुल है या लेना या नहीं है। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो लैपटॉप है ये आपको अच्छे प्राइस में अच्छे ऑफर के साथ केवल हमारे स्टोर पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा लैपटॉप है HP Victus 15 सीरीज का लैपटॉप है और ये जो मॉडल है अभी रिसेंटली HP में लॉन्च हुआ है और पिछले एक या दो महीने में काफ़ी अच्छी इंक्वायरी रही है। इंक्वायरी हो भी क्यों ना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी कमाल की है। तो आइए सबसे पहले हम बॉक्स पे देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है HP Victus 15। मॉडल नंबर की बात सबसे पहले कर लेते हैं, ये है FA1064PX। दोस्तों, अगर इसकी बात करी जाए तो ये इंटेल i7-1370HS के अंदर आ रहा है। 512GB की SSD, 16GB का RAM सपोर्ट है। इसके अंदर आपको फुल HD IPS पैनल मिल जाता है 250 nit और 45% NTSC के साथ में, प्लस 144Hz डिस्प्ले है। ग्राफिक कार्ड की भी बात कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर RTX 450 6GB का डेडिकेटेड लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है। और अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो 70W की बैटरी है और प्लस 41 4 सेल की चार्जिंग कैपेसिटी है। प्लस आगे देखेंगे कि जो इसका पावर अडप्टर है वो कितने वॉट का है। तो ये इसकी बॉक्स की डिटेल थी। अगर हम देखते हैं बॉक्स पे तो MS Office का स्टिकर प्लस इंटेल इनसाइड की ब्रांडिंग। और अगर हम प्रोडक्ट MRP की बात कर लेते हैं तो प्रोडक्ट MRP है 1,27,765 रुपये। तो ये कुछ डिटेल है जो आपको बॉक्स के ऊपर ही मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका फर्स्ट लुक दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा चार्जर, 200 वॉट का ये चार्जर है और फास्ट चार्जिंग इनेबल है। तो इस तरीके का कुछ इसमें चार्जर मिलता है। और अगर हम चार्जिंग केबल की बात करते हैं तो ये काफी बड़ी चार्जिंग केबल आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसकी लेंथ काफी अच्छी है। अगर आप घर पे या ऑफिस में भी इस चार्जर को यूज करते हैं तो अप्रोक्स 1.5 मीटर के आसपास ये चार्जर है और इसके साथ काफी प्रीमियम एक पावर कोर्ड मिलती है जो कि लेंथ को काफी बड़ा कर देती है। तो इस तरीके का कुछ काफी बड़ा 200 वॉट का चार्जर मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज, हम अपने लैपटॉप की भी बात कर लेते हैं, तो ये ब्लू कलर के अंदर ये लैपटॉप HP ने लॉन्च किया है। ये देखिए काफी प्रीमियम, काफी बेटर कलर इसके अंदर मिल रहा है आपको। ये जो कलर है ये ब्लू कलर है। दोस्तों, आप देखिए ब्लू कलर काफी प्यारा कलर लग रहा है। 15.6 इंचेस की स्क्रीन इसके अंदर HP देता है आपको और 3 साइड नैरो बेजल्स के साथ में है। तो इस तरीके की कुछ ये हमें लुक देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो जैसा कि आपने HP Victus के सारे लैपटॉप में देखा है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इस लैपटॉप में भी देखने को मिलेगी। अगर बात करते हैं हम अपर फ्लैक्स की, कीबोर्ड फ्लैक्स ना के बराबर, आप जैसा कि देख सकते हैं कीबोर्ड फ्लैक्स बिल्कुल ना के बराबर। प्लस अगर हम टॉप लिड की बात करते हैं तो यहाँ भी हल्का फुल्का, मतलब ना के बराबर ही आपको फ्लैक्स देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो इस तरीके की काफ़ी अच्छी बॉडी आपको Victus के अंदर देखने को मिल जाती है। प्लस फुल साइज आपको कीबोर्ड सपोर्ट मिल जाता है। एक काफ़ी बड़ा ट्रैकपैड आपको मिलता है जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को इनहेंस करता है। दोस्तों, तो ये मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये लैपटॉप को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जिगजैग आपको वी टाइप की स्क्रीनिंग मिल जाती है। हाँ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये स्पीकर ग्रिल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें स्पीकर ग्रिल नहीं है, ये एक डिजाइन है। प्लस अगर हम स्पीकर की बात करते हैं तो बैक साइड में आपको यहाँ पे स्पीकर का आउटपुट मिलता है जो कि 2-2 वॉट के V&O के काफ़ी प्रीमियम स्पीकर है। प्लस एक काफ़ी बड़ी रबड़ ग्रिप आपको देखने को मिलती है इसकी बैक साइड में। और वेंटिलेशन के लिए मैं बोलूँगा आपको GPU और CPU दोनों जगह काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन मिल जाता है, यहाँ से इसका एयर एग्जॉस्ट होता है। प्लस अगर हम आउटपुट की बात करते हैं एयर की, तो यहाँ से काफ़ी बड़ा एयर वेंटिलेशन आपको दिया जाता है ताकि एयर आउटपुट काफ़ी अच्छा मिल सके। तो हीटिंग की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इस लैपटॉप में ना के बराबर है।
चलिए एक बहुत अच्छी चीज अगर हम देखते हैं कि अगर हम ऑफिस में या कहीं भी काम करते हैं तो हमारे दोनों हाथ मतलब यूज में होते हैं, तो एक बहुत ही कंसर्न है कि क्या ये लैपटॉप सिंगल हैंड से ओपन होता है या नहीं होता है। तो हम ये भी टेस्ट कर लेते हैं, ये लैपटॉप सिंगल हैंड से ओपन हो जाता है। आप देखिए, आप मतलब ये एक प्लस फीचर मानता हूँ लैपटॉप के अंदर कि अगर ये लैपटॉप सिंगल हैंड से ओपन होता है तो वेंट अलाइनमेंट काफी अच्छा माना जाएगा और ये जो लैपटॉप के हिंजेस है ये बहुत बहुत मतलब जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए सिंगल हैंडेड ओपन लैपटॉप है दोस्तों। प्लस दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर आने वाले पोर्ट्स की, तो वो सारे नेसेसरीज को इस लैपटॉप में आपको मिलते हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज करने को बिल्कुल जरूरी होते हैं। बात करते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ये स्मार्ट पिन है जो एचपी अपने सारे प्रोफेशनल लैपटॉप में देती है। टाइप ए यूएसबी मिल जाता है जो कि स्लिप चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक आपको माइक इन का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस एक कार्ड रीडर का ऑप्शन है। प्रोफेशनल लोगों के लिए कार्ड रीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कंटेंट क्रिएटर है वो अपना डाटा एक्सटर्नल ड्राइव में कैरी करते हैं, तो कार्ड रीडर एक बहुत ही बेटर ऑप्शन मिलता है। प्लस दोस्तों अगर हम राइट हैंड की बात करें तो यहाँ पे हमें आपको मेजर 4 पोर्ट मिलते हैं, HDMI 2.0। आप इससे ग्राफिक कार्ड का आउटपुट भी ले सकती हैं जो कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर। प्लस टाइप ए यूएसबी विद लैन पोर्ट, बिकॉज ये हैवी मशीन है, क्रिएटर्स के लिए बनी है, तो लैन यूटिलिटी के लिए आपको इसके अंदर लैन पोर्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी फास्ट इंटरनेट स्पीड आपको देगा। प्लस टाइप सी यूएसबी मिल जाती है जो कि चार्जिंग और डाटा ट्रांसफर दोनों सपोर्ट करती है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम विक्टस 15 के अंदर देखें तो वो सारे नेसेसरी सपोर्ट मिलते हैं और काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर आने वाले स्पेक्स की, तो फटाफट हम लैपटॉप को ऑन करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर क्या स्पेक्स है। आपको वाइट बैकलाइट इस लैपटॉप में देखने को मिलती है, प्लस ब्लू कलर साथ में मिलके काफी प्रीमियम लुक आपको देता है दोस्तों। इस तरीके की कुछ लुक आएगी रात को आपको अगर आप देखेंगे इस लैपटॉप पे। और हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है, हमने गेम प्ले भी करके देखा है, परफॉर्मेंस नो डाउट काफी बेटर है। इसकी जो प्राइसिंग है हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो चलिए फटाफट हम आपको दिखाते हैं इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है। कंट्रोल पैनल में जाके हम कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं। अगर आप आज की डेट में एक i7H प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो ये जो लैपटॉप है नो डाउट आपकी बाइंग लिस्ट में नंबर वन रहेगा दोस्तों। हाँ, अगर कोई मॉडल इस प्राइस में आता है, अच्छे ब्रांड की बात करूँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए इसके कॉन्फिगरेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर अगर मैं CPU की बात करता हूँ तो इसमें Intel i7 13 जनरेशन का 13700H प्रोसेसर मिलता है जो कि बेस स्पीड 3.7 अप टू 5 GHz तक की स्पीड देता है। 5 GHz तक की मैक्सिमम स्पीड है, एक अच्छे लैपटॉप की ये पहचान होती है। तो इस तरीके से अगर हम प्रोसेसर की ओवरक्लॉकिंग देखें तो 5 GHz काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस अगर हम कोर एंड थ्रेड की बात कर लेते हैं तो ये 14 कोर और 20 थ्रेड का प्रोसेसर है दोस्तों। 14 कोर के अंदर आपको 6 पी कोर मिलते हैं और 8 ए कोर मिलते हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हेंस करते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें इसके अंदर कैशे एक मतलब हैवी यूजर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो 24 MB की कैशे मिलती है जिसपे आप डे टू डे टास्क और हैवी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये जो प्रोसेसर है ये नॉर्मल से लेके हाई एंड तक यूज के लिए बना हुआ है। तो अगर आप ये प्रोसेसर अपनी बाइंग लिस्ट में रखते हैं तो HP Victus 2023 का ये मॉडल i7 13 जनरेशन में नंबर वन मेरे हिसाब से रहना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस प्रोसेसर की TDP की, तो अगर इसकी बेस TDP देखेंगे मतलब पावर कंजम्पशन है तो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो 45 वाट की है और मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 115 वाट की है। तो इस तरीके से बेस और हाई दोनों एक काफ़ी अच्छी आपको पावर कंजम्पशन के साथ मिलता है, तो नो डाउट प्रोसेसर पे इफेक्ट नहीं आने वाला है। प्लस चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें आने वाले रैम की, तो रैम भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर रैम आपको 16 GB मिलता है और एक मजे की बात बताता हूँ, 64 GB तक आप इसकी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर इस लैपटॉप में देखें तो हम दो स्लॉट आता है 3200 की 8x8 रैम लगी हुई है एंड 32x32 आप मैक्सिमम 64 GB तक इसकी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो एज ए मेमोरी भी ये लैपटॉप काफ़ी
रिच कैपेसिटी के साथ आया है। इन फ्यूचर में आप इसको 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 64 GB काफी बड़ा रैम सपोर्ट इस लैपटॉप में मिलता है। प्लस अगर हम दोस्तों SSD की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई इसका की 512 GB की NVMe Gen 4 SSD मिलती है। हाँ सही सुना, Gen 4 SSD जो कि आजकल सभी लैपटॉप में आ रही है और रीड राइट स्पीड दोस्तों बहुत अच्छी है इसकी। प्लस अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसके अंदर Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिलता है। नो डाउट ये जो कनेक्टिविटी है ये भी अगर आप ये प्राइस रेंज जाते हैं तो काफी अच्छी आपको मिल जाती है। प्लस वही इंटेल का आयरिस एक्सी ग्राफिक कार्ड मिलता है। बहुत सारे बेस वेरिएंट अगर हम देखें लैपटॉप में तो गेमिंग लैपटॉप में भी आपको UHD ग्राफिक देखने को मिलता है, बट यहाँ इंटेल अपना आयरिस एक्सी ग्राफिक कार्ड देता है जो कि 1800 मेगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ आता है। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड एनवीडिया 450, ये जो ग्राफिक कार्ड है 6 GB का है और आप इस पे अपने सारे डे टू डे कंटेंट कर सकते हैं। आप इस लैपटॉप पे कलर एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोशॉप, ऑटोकैड, एलिस्ट्रेटर ये सारे सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। प्लस कोडिंग के लिए ये लैपटॉप काफी प्रीमियम है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप की आती है। प्लस कॉन्फ़िगरेशन तो छोड़िए दोस्तों, साथ में और भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस लैपटॉप में, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस लैपटॉप में आपको मिलता है HP का ओमेन कमांड सेंटर। सिंगल बटन से आप इस लैपटॉप को ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी हैवी टास्क कर रहे हैं दोस्तों तो इस तरीके से आप देखेंगे पावर बटन के साथ में ओमेन का कमांड सेंटर है, आप इसे दबाइए और इस तरीके से ओमेन कमांड सेंटर खुल जाता है। ये जो कमांड सेंटर है ये हैवी यूजेस में भी आपके लैपटॉप को काफी ठंडा रखेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाइए आप विक्टस लैपटॉप के अंदर, यहाँ पे आप सिस्टम की वर्चुअल स्पीड भी देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं तो आप CPU की स्पीड देखिए, अभी नॉर्मल 1% के आसपास यूटिलाइज हो रहा है। तो आप इसकी स्पीड यहाँ से मेजर कर सकते हैं और कभी भी आपको लगता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो रही है तो यहाँ पे आप देखिए काफी अच्छे ऑप्शन है। परफॉर्मेंस कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, हैवी से लेकर नॉर्मल टास्क में आप लैपटॉप की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं जिससे आपके CPU पे कम से कम लोड पड़ता है। प्लस यहाँ पे नेटवर्क बूस्टर भी है, जिस भी एप्लीकेशन को आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं, आपको किसी एप्लीकेशन पे नेट की स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस कंट्रोल और नेटवर्क के साथ साथ में आप सिस्टम की हेल्थ को भी देख सकते हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। प्लस अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आपको लाइटिंग कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है, इसके साथ आने वाले HyperX के डिवाइसेस का भी आप लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये जो ऑप्शन है वो काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओमेन कमांड सेंटर HP के ओमेन सीरीज के अंदर आने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके थर्मल आपके हार्डवेयर को काफी कूल रखता है और आप अपने हिसाब से हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जो लैपटॉप है एक प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है दोस्तों। अभी जो इसकी प्राइस HP की साइट पे आपको मिलेगी वो है 1,15,000 के आसपास। प्लस बैंक डिस्काउंट भी है, 5% का सेलेक्टेड बैंकों में कैशबैक चल रहा है। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ सेलेक्टेड बैंकों पे 5% का कैशबैक मिल जाता है। इजिली ये लैपटॉप आपको मार्केट में 1,10,000 टू 15,000 के आसपास मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बेस्ट प्राइस कहाँ मिलेगा? HP वर्ल्ड करोलबाग ओमेन प्लेग्राउंड पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दिल्ली NCR के अंदर तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आप हमारे नंबर पे जो नीचे दिया गया नंबर है उससे मिलाइए। बेस्ट प्राइस बेस्ट ऑफर आपके लिए दोस्तों। हम प्राइस फोन पे डिस्क्लोज नहीं करते, हमारे स्टोर पे आइए, बेस्ट प्राइस बेस्ट ऑफर हमारे सब्सक्राइबर के लिए हमेशा रहेगा। तो ये थी इसकी फुल कॉन्फ़िगरेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट हमें यूं ही मिलता रहे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।